तो यूपी के रेफरेंस में मैं यहाँ पे लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है ये आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहाँ पे बेसिकली जो बीटेक होल्डर हैं और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनका ये आरोप है कि गवर्नमेंट ये साजिश कर रही है कि डिप्लोमा और बीटेक होल्डर इस पोस्ट पे एलिजिबल ना हो पाए, क्योंकि ये जनरली देखा गया है कि जो डिप्लोमा और बीटेक वाले होते हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है जिसकी मांग कर रही है सरकार, जो कि जनरली बाकी सारे स्टेट्स में नहीं मांगा जाता है। इवन सेंटर का प्रोविजन भी इसमें मेंशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक जो क्वेश्चन और सर्टिफिकेट वो लोग मांग पूछते कर रहे हैं हैं, कि बताइए। क्या मैं दूसरे स्टेट से हूं तो अप्लाई कर सकता हूं, तो जवाब है कि बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। काफी सारी गर्ल्स कैंडिडेट ये पूछती हैं कि हम दूसरे स्टेट से हैं और गर्ल्स हैं तो क्या हमको गर्ल्स का रिजर्वेशन मिलेगा, तो जवाब है नहीं मिलेगा। डियर एस्पिरेंट वन वे अकेडमी के जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है, और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, जिसको शॉर्ट में हम यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं। यहाँ पे अनुदेशक मुख्य परीक्षा की बात करने वाले हैं। अनुदेशक मतलब होता है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर की पोस्ट आई है आईटीआई में, आईटीआई जिसको आप जानते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। अराउंड अराउंड इसकी वैकेंसी हर स्टेट्स में आती है, हालांकि हर स्टेट में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो रिक्रूटमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्राइटेरिया हैं, वो डिफरेंट है। आज ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि आप कई मुझे मैसेज आए, कमेंट भी आए थे एक दो लोगों के जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, कि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज किया गया है उस पे क्या हो सकता है, क्या का मतलब आप जो कहना चाह रहे हो उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। मैं जब डिस्कस कर ही रहा था तो सोचा कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लें ताकि चीजों को आप पूरी तरीके से समझ पाओ। तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पे ये डेट्स मेंशन है कि कब कब आप अप्लाई कर सकते हो, हालांकि अभी टाइम है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। मुख्य परीक्षा इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने प्रिलिमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2021 दिया हुआ है। अब ये जो PET 2021 है ना, ये बेसिकली ये जो आपका चयन आयोग है यही कराता है। कौन सी की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं। एक डिसीजन लिया गया था 2020 में, बहुत पुराना डिसीजन नहीं है, 2020 का डिसीजन है। ये लिया गया था कि जितना भी ग्रुप सी समूह ग की वैकेंसी होती हैं, आप सभी को पता होगा कि हर स्टेट्स में दो बोर्ड होते हैं रिक्रूटमेंट के, एक तो होते हैं उसके पीसीएस वाले जो ग्रुप ए ग्रुप ई ए और बी की वैकेंसी कराते हैं, और एक होता है ट्रिपल एस सी वाला जो ग्रुप सी वाली या फिर समूह ग वाली वैकेंसी को कराता है। जनरली हम बात कर रहे हैं, मोस्टली आप यही देखोगे हर स्टेट्स का यही पैटर्न है। तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि जितनी भी समूह ग की वैकेंसी कराता है, उत्तर प्रदेश ट्रिपल एस सी की हम बात कर रहे हैं, वहां पे द्विस्तरीय परीक्षा होगी। मतलब आप कह सकते हो जिनको हिंदी समझ में नहीं आती उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि दो लेयर का एग्जाम होगा, तो टू टीयर एग्जाम सिस्टम्स होंगे। अब टू टीयर एग्जाम सिस्टम में इन्होंने एक एग्जाम बनाया जहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये प्रिलिमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये जो यूपी ट्रिपल एससी है ना, जो भी एग्जाम करवाता है, जितने भी एग्जाम करवाता है, सभी एग्जाम के लिए एक कॉमन प्रिलिमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कराएंगे सभी एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हो तो आपको ये एग्जाम देना जरूरी होता है। अगर इसका वैलिड आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम में जो बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी कराता है उसमें नहीं बैठ पाओगे। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता होगा। हाँ, ये बिल्कुल जो पहले वाली वैकेंसी है, मतलब जब ये डिसीजन लिया गया 2020 में, उससे पहले जो एडवर्टीजमेंट आया है उस पर लागू नहीं होगा, बट उसके बाद वाले पे लागू होगा। यहाँ पे जो डिटेल चीजें हैं मेंशन हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, बट इन शॉर्ट जो मोटिव है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो पहली क्राइटेरिया तो यही है कि अगर आपने पीईटी का एग्जाम दिया है 2021 का, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अनुदेशक की जो मुख्य परीक्षा, आप समझ में आ गया आपको कि इसको मुख्य परीक्षा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रिलिमरी ऑलरेडी हो चुकी है। मुख्य परीक्षा जो है वो किसके हिसाब से होगी, वो होगी उत्तर प्रदेश राजकीय प्रौद्योगिकीय शिक्षण संस्थान अनुदेशक एंड फोरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021। ये बेसिकली एक नियमावली निकाला गया है जिसमें क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, सैलरी और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो पीडीएफ मैं भी आपको दिखा रहा हूँ।
ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो कहाँ पे मिलेगी? जो आयोग की वेबसाइट है वहां पे आपको इम्पोर्टेंट्स गो में जाना है, वहां पे डाउनलोड सेक्टर में जाना है, वहां पे ये बेसिकली इसका लिंक है जो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वहां पे जाके देखते हैं। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, नजर आ रही होगी, uptplsc.gov.in। यहाँ पे आपको जाना है, जैसे कि इन्होंने कहा है इम्पोर्टेंट गो पे जाना है, तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट गो का लिंक नजर आ रहा होगा, इसमें जाना है। फिर UPSSC के कमीशन वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे मेंशन है उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक एंड फोरमैन नियमावली। अब इस नियमावली पे जब आप क्लिक करोगे और आप इसको डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो ये कहेंगे भैया अभी ये अवेलेबल नहीं है, शायद मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसके लिए मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, मोबाइल पे हो रहा है, वहां भी नहीं हो रहा है। अभी मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने दूसरे ब्राउजर में भी ट्राई किया बट वहां पे भी नहीं हो रहा था। तो मुझे नहीं पता सर्वर का प्रॉब्लम है या इन्होंने इसको रिमूव किया है या दूसरा कुछ चेंजेस करके अपलोड करने वाले हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट ये वाली पीडीएफ अभी मेरे पास है जिसको आप लोगों ने शेयर किया हुआ था पहले से, क्योंकि आप चाहते थे इस पे मैं वीडियो बनाऊं। तो ये वही वाली पीडीएफ है जिसकी वो बात कर रहे थे। क्या है? उत्तर प्रदेश राजकीय प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान अनुदेशक एंड फोरमैन नियमावली, ना ये वही वाली नियमावली है जो बेसिकली 3 जनवरी को अपलोड किया गया, 3 जनवरी को उसको जारी किया गया है गजट को, और यहाँ पे 6 को अपलोड किया गया है ना, दिखा रहा है ना 6/1/2022। ठीक है, तो ये बेसिकली जो यहाँ पे नियमावली है ये दिखाने का मतलब ये है, ये डिटेल पूरा मेंशन है ना, एक तरह की गजट पब्लिश किया गया है रूल्स रेगुलेशंस के बारे में कि वैकेंसी कैसे होगी, कितनी पोस्ट है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, बेसिकली जो भी डिटेल हो सकती है। अब देखो ना शिक्षण व्यवहारिक ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है कि क्या होनी चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, जो आपको जानना चाहिए वहां वहां पे मैंने हाईलाइट कर रखा है। रिटन एग्जाम के बारे में है, अभी उसका डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट पहले समझ लेते हैं और आपका जो ऑब्जेक्शन है उसको समझ लेते हैं। सैलरी को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख लेना। अभी जो वैकेंसी आई है वो अनुदेशक की आई है, फोरमैन अनुदेशक की नहीं आई है, तो ये वाली सैलरी अभी नहीं मिलेगी, अभी आपको ये वाली सैलरी मिलेगी जो जितनी पोस्ट है वो सारी पोस्ट किसके लिए है? अनुदेशक के लिए है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। आपको ऑब्जेक्शन जो है, आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ, काफी सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि जो यहाँ पे अनिवार्य अर्हता है, जो बेसिकली डीजीटी, डीजीटी अब क्या होता है, डीजीटी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे इनकी वेबसाइट दिखा देते हैं, ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसी की क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है कि डीजीटी के अधीन किसी पाठ्यक्रम में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम CITS, CITS मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज बाकी की जो ऊपर की डिग्री है, आपके पास डिप्लोमा हो, डिग्री हो, जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल होते हो, वो सारा रहते हुए भी अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। मैं आगे इंग्लिश वाला वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ और चीजें में भी हो सकता है जिसको मैंने हाईलाइट किया हो, अगर आपके लिए वो जरूरी होंगी तब मैं इंग्लिश वाले में दिखा देता हूँ बेसिकली इस पोस्ट को कहते क्या है। ठीक है, तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं, फीटर की हो, ये सेंशन पोस्ट हैं, बाकी जो एक्चुअल पोस्ट हैं एडवर्टीजमेंट में दी गई हैं। ठीक है, तो वेल्डर की पोस्ट हो या फिर शीट मेटल वर्क की पोस्ट हो, किसी की भी पोस्ट हो, सारे पोस्ट में देखो ये सारी चीजें, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये सारी तो ठीक है, बट उसके साथ साथ आपके पास ये भी, इसको भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐड कर दिया गया है। अब आप लोगों का कहना ये है कि ये गलत है, बहुत सारे स्टेट्स में ये क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टेट्स में आती है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, वहां पे ये क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है। यूपी में भी इससे पहले शायद डिजायरेबल था, ये अभी इसको एसेंशियल कर दिया गया है। तो आपका कहना है कि क्या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है? तो यूपी के रेफरेंस में मैं यहाँ पे लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है, ये आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहाँ पे बेसिकली जो बीटेक होल्डर हैं और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनका ये आरोप है कि गवर्नमेंट ये साजिश कर रही है कि डिप्लोमा और बीटेक होल्डर इस पोस्ट पे एलिजिबल ना हो पाए, क्योंकि ये जनरली देखा गया है कि जो डिप्लोमा और बीटेक वाले होते हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है जिसकी मांग कर रही है सरकार, जो कि जनरली
बाकी सारे स्टेट्स में नहीं मांगा जाता है। इवन सेंटर का प्रोविजन भी इसमें मेंशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो सर्टिफिकेट वो मांग कर रहे हैं, हमने पहले डिस्कस किया कि एनसीआईसी की मांग किया जा रहा है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, जो बेसिकली अंडर हो डीजीटी के, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के। अब ये बात किसने कहा है, ये बात बेसिकली आप लोगों का एक कोई इंजीनियरों का संगठन है, उन्होंने ये बात कही है। उनका ये भी कहना है कि इससे पहले ये जो सीटें रिजर्वेशन का सिस्टम था 50-50 बीटेक डिप्लोमा और आईटीआई का, उसको ब्रेक किया जा रहा है। ब्रेक करने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ये पूरी सीटें आईटीआई को ट्रांसफर किया जा रहा है। कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, इन्होंने कहा, इनका कहना है कि जो डीजीटी है उनका ये था कि जो बीटेक और डिप्लोमा वाले हैं उनको बेसिकली जो एनसीआईसी का सर्टिफिकेट है उससे छूट दिया जाएगा, सेपरेट 3 मंथ की ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया है। इससे पहले वाली जो वैकेंसीज हैं 2014-2016 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें ये व्यवस्था लागू थी, पर अभी उनका कहना है कि अभी की जो वैकेंसी आई है उसमें ये व्यवस्था लागू नहीं किया जा रहा है और इनडायरेक्टली सारी पोस्ट आईटीआई को ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट इनका कहना है कि ये साजिश है। और इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है, जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करती है, ट्रेनिंग वाला जो बेसिकली 3 मंथ का है, तो हम कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट क्या करती है वो तो बात की बात है, बट एक चीज होता है कि यहाँ पे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है कि सरकार जो क्राइटेरिया फिक्स करना चाहती है अपने रिक्रूटमेंट के लिए वो कर सकती है। अगर कोई पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आता है तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कोर्ट हो, वो डायरेक्ट नहीं कर सकती, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आप बिल्कुल इसको चेंज करें, जब तक कि सरकार खुद ना रेडी हो जाए कि हमको इसको चेंज करना है। और सरकार कब रेडी होती है, जब बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं और सरकार को लगता है कि भाई क्यों हो रहा है इस क्राइटेरिया से, तो सरकार खुद ही बदल देती है। ऐसा नहीं कि कोर्ट इंस्ट्रक्ट करती है कि आप बदल दो, मतलब खुद बदलने का मतलब ये है कि मैटर मान लो कोर्ट में चला गया और सरकार को बाद में फील हो रहा है कि यार मुझे चेंज करना चाहिए, तो सरकार खुद ही अपना पक्ष ऐसे रखती है कि ठीक है हम चेंज कर देंगे। बाकी अगर सरकार ये चाहते कि नहीं स्ट्रिक्टली हम तो यही क्राइटेरिया रखने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि कोर्ट इंस्ट्रक्ट नहीं करेगी कि आप इस क्राइटेरिया को चेंज करो। तो कोर्ट जाने से ज्यादा अच्छा रास्ता ये है कि जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं आप उनसे बात करें, वो ज्यादा बेहतर सोल्यूशन होता है इन सब चीजों को रिजॉल्व करने का। कोर्ट इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये है कि जब आप वकील के पास जाओगे, लॉयर से ये कहोगे कि हमें ये करना है, तो लॉयर तो कभी मना नहीं करते कि ये नहीं हो पाएगा, वो तो यही कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग आइए इकट्ठा होइए, उनको लगता है इतने सारे बच्चे हैं, इतना पैसा आएगा, लेट्स सी कर देते हैं, होगा नहीं होगा बात की बात है। तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग अगर यूनाइट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट से नेगोशिएट करें, अगर गवर्नमेंट चेंज करती है तो हो जाएगा, अदरवाइज चांसेस कम ही हैं कि कोर्ट इंस्ट्रक्ट करे कि वो चेंज करें। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी जो मर्जी है, आप लोग जैसे भी करना चाहते हो, जो भी फॉलोअप लेना चाहते हो, ये आपका राइट्स है कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हो। और कोशिश करें कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, फर्दर फ्यूचर में ऐसी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो जो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लें पहले से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे, देखो मेंशन कर रखा है अलग अलग आईटीआई में कितने लोगों ने ये ट्रेनिंग लिया हुआ है, ये बेसिकली डिटेल है, आप देख पाओगे क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सब पे कभी और बात करेंगे अगर आपको जरूरत होगी तो। बट अभी के लिए ये मुझे आप कह रहे थे डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैंने किया हुआ है। तो दो चीज कंपलसरी है, एक तो पीईटी में अपियर होना चाहिए, दूसरे आपके पास एनआईटीएससी की, मतलब क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेनिंग होती है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। काफी अच्छी खासी पोस्ट है, बाकी ये डिटेल्स इसमें भी मेंशन किया गया है, ये आपका एडवर्टीजमेंट है, आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। ये पोस्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया है जो पोस्ट आपके लिए यहाँ पे आई है, बाकी गजट में आपको इससे ज्यादा पोस्ट दिखेंगी बट वो सब अभी आई नहीं है, और खैर अब तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। बाकी आप नीचे आओगे तो जो गजट वहां पे आपको दिख रही थी ना, वो गजट बेसिकली यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी। अगर हम एज की बात करें तो एज 21 टू लेके 40 ईयर की एज की है, बाकी चयन का आधार क्या है ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। एसएस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको अप्लाई करना है तो हाँ ये जरूर आपको करना चाहिए कि एक बार एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना चाहिए, और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स आपको देने होते हैं ये उसकी बात है। एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं कि क्या मैं दूसरे स्टेट से हूं तो अप्लाई कर सकता हूँ, तो जवाब है कि बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो,
काफी सारी गर्ल्स कैंडिडेट ये पूछती हैं कि हम दूसरे स्टेट से हैं और गर्ल्स हैं, तो क्या हमको गर्ल्स का रिजर्वेशन मिलेगा? तो जवाब है नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे बेसिकली ये भी जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूपीएसएससी की पीडीएफ है, मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया है, डायरेक्टली वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, क्या मुझे आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल, आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ये हर स्टेट की कहानी है, जिस स्टेट से आप हो आपको उस स्टेट का आरक्षण मिलेगा, दूसरे स्टेट से आप वहां जा रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। अन्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप यूपी की जो सामान्य सीट है, जनरल की सीट है, उस पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप बाहर से हो, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो। एक बात और है, कई सारे स्टेट में जो जनरल की सीट होती है उस पे भी रिजर्वेशन होता है कि जनरल की सीट का 20% या 30% ही बाहर वालों को दिया जाएगा। जैसे गुजरात है, गुजरात की जो जनरल की 80% सीट है वो गुजरात के जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, उसमें आउटर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो पूरी सीट पे, पूरी जनरल की सीट पे क्लेम नहीं कर सकते। कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिजर्वेशन है, कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे जनरल की सीट ओपन है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज, स्टेट वो वेरी करता है, एक जैसा नहीं है सबका। और यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये मेंशन किया गया है कि जो लंबवत और क्षैतिज आरक्षण है, लंबवत मतलब वर्टिकल आरक्षण की बात कर रहे हैं ये, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये लंबवत आरक्षण होता है। क्षैतिज आरक्षण मतलब जैसे पीएच का आरक्षण है, गर्ल्स का आरक्षण है। तो अगर आप यूपी से नहीं है तो आपको दोनों में से कोई सा भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। अगर आप डोमेसाइल में नो सेलेक्ट करते हो तो केवल आपको जनरल कैटेगरी दिखाएगी, बाकी कैटेगरी फिल करने के लिए नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो आपके लिए इरेलीवेंट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी मैंने आपका एड्रेस कर दिया, और कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। बाकी एडवर्टीजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी दिया गया है, और जिस पीडीएफ की हम लोग बात कर रहे थे जो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रही है, वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इस एडवर्टीजमेंट में भी उसका जो हिंदी वाला वर्जन है वो दिया गया है, नियम 4 का देख पाओगे यहाँ पे, वही सारी चीजें मेंशन है कि आपके पास डीजीटी के अधीन पाठ भेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए, सारे पोस्ट में ये मेंशन है, और ये अनिवार्य रहता है, किसी भी पोस्ट में ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम चल जाएगा। तो अगर अभी अब तक आपके पास नहीं है तो आप कर लीजिए, आगे भी वैकेंसी में आएगी, काफी सारी सेंशन पोस्ट हैं जिसपे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो आगे होगा डेफिनेटली। तो आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करें कि उसको एक्वायर कर पाओ। तो ये पूरा डिटेल रहा आपका, बाकी डिटेल आप जो यहाँ पे मेंशन, एक चीज और यहाँ पे मेंशन किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा जो नई पोस्ट है वो किसके गाइडलाइन के हिसाब से रिक्रूट करेंगे, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि नए स्वीकृत व्यवसाय विषयों के लिए अर्हता प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा जो भी यथाविहित रूप से होगी उस पर किया जाएगा। मतलब आपको एक चीज देखते रहना है कि अगर कोई क्राइटेरिया यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग बनाता है तो उस क्राइटेरिया को यूपी फॉलो करने वाला है, तो आप देखते रहें कि अगर कोई एडिशनल क्राइटेरिया ऐड किया जाता है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग तो आप उसको एक्वायर कर लें। तो ये मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को कि फालतू में इधर उधर के झंझट में ना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल चेंज कर सकती है, और उन्होंने कर दिया है, तो आप कोशिश करें कि वो क्राइटेरिया ले लें, बाकी की आपकी मर्जी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई और चीज जानना हो तो जरूर मैसेज या कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।